गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जिलाधिकारी ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। व्यवस्थाओं से दिखे असंतुष्ट लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए लिखा शासन को पत्र। साइकिल से एसएसपी जोगिंदर कुमार और एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुब ने की महानगर के विभिन्न क्षेत्रों की पेट्रोलिंग। थाना और चौकियों व डायल 112 के वाहनों की चेकिंग, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मंडलायुक्त ने बुधवार को सुबह 10 बजे गोरखपुर विकास प्राधिकरण, संभागीय लेखाधिकारी कार्यालय, जिला खाद्य विपणन अधिकारी एवं संभागीय खाद्य नियंत्रक आरएफसी कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। अनुपस्थित मिले दर्जनों कर्मचारी, अनुपस्थित कर्मचारियों के एक दिन का वेतन बाधित करने के दिए निर्देश। कोविड टेस्ट को लेकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों और लैब टेक्नीशियनों में हुई मारपीट, प्रिंसिपल कार्यालय के समक्ष दिया धरना। एडीएम सिटी ने बताया आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात पर खत्म हुआ धरना। बड़हरगंज पुलिस ने 4 शातिर वाहन चोरों को चोरी की 4 मोटरसाइकिल और 1 देसी तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। सीओ गोला ने किया खुलासा, मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं राज संत महंत अवैधनाथ की 6वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित व्याख्यान माला में वक्ताओं ने सामाजिक समरसता और संत समाज विषय पर रखे अपने अपने विचार। कहा मनीषियों व संतों का देश रहा है भारत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदकिशोर नंदी ने कुशीनगर में बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्यों की प्रगति की समीक्षा। कहा 6 सितंबर को भारत सरकार के मंत्री व अधिकारियों के साथ किया जाएगा स्थलीय निरीक्षण। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के नगर आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण करके किया स्वागत। बैठक कर संगठन को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। गोरखपुर में बुधवार को मिले 260 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 9,955, जबकि 6,964 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं घर। कुल एक्टिव केस हुए 2,857। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। सीडीओ की अध्यक्षता में संपन्न हुई खंड विकास अधिकारियों की बैठक। शासन के विकास कार्यों में शामिल विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। एसपी ट्रैफिक ने शहर में नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ चलाया अभियान, किया चालान, लोगों से की अपील। कहा यातायात नियमों का करे पालन, नहीं तो होगी विधिक कार्रवाई। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के 4th दिन कथा व्यास ने कहा मन ही मनुष्यों के बंधन व मुक्ति का है कारण। मन को नियंत्रण करने के लिए ही सुननी चाहिए भगवान की कथा। राजीव गांधी समान ज्ञान प्रतियोगिता के तहत कांग्रेस करेगी मेघावी छात्रों को पुरस्कृत। महानगर अध्यक्ष ने कहा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर प्रतियोगिता में हो सकते हैं शामिल। और भालूटिया मार्केट में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाया गया कोरोना जांच शिविर। दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष ने दवा व्यापारियों से की अपील। कहा अधिक से अधिक कराएं कोरोना टेस्ट।